तन्हाई दूर करने की कोशिश में मैं खुद तन्हा होती जा रही हूँ। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं थामूंगा तुम्हारा हाथ। मैं फिर दोस्त के पास जाई थी अपने दिल की बात करने, मगर नहीं जानती थी जिन लोगों की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है वो तुम्हारे साथ बैठे हुए, तुम उनके साथ बैठे हुए हो। मोहब्बत में इस कदर डूब गया हूँ कि दिल में फलक के लिए कोई जगह। मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है कि मैं अपने इस रिश्ते को मंशा के साथ एक हथी शक्ल दे दूं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि सुकून से बैठ के फैसला कर सकूं। ये रिंग तो फलक की है, ये रिंग यहां कैसे? नसर के बैग पे? नहीं, ये नहीं हो सकता। जो मैं सोच रहा हूं मुझ पे कई इल्जाम लगाए, बची तो तुम भी नहीं हो। तुम भी उतनी गुनाह में डूबी हुई हो, शायद इससे ज्यादा। मैं अपने किए पर कई महीनों से शर्मिंदा हूं। तुम्हारे सामने खामोशी खामोशी से अपने आप को कोसता रहा हूं। यह कि तुम्हारी वफा के बदले वफा नहीं कर सका, तुम्हारी मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं दे सका। मैंने सारी रात सोच सोच कर गुजार दी कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं, तुम्हें बहुत कयामतें गुजर रही होंगी। मुझे मेरा जमीर एक पल के लिए भी नहीं सोने दे रहा, अंदर ही अंदर मार रहा था। मगर मुझे नहीं पता था कि तुमने अपने जमीर को मार दिया है और मेरे पीठ पीछे क्या कर रही, और वो भी इतनी आजादी से, इतनी बहादुरी से कि मुझे तुम्हारी शक्ल पे पछतावा नजर ही नहीं आ रहा था। क्या तुम उसके साथ बहुत खुश हो? मैंने तुम पे भरोसा किया, आजादी दी, तुम्हें किसी काम के लिए नहीं रोका। जो तुमने कहा वो किया, जो तुमने चाहा दिया, फ्रीडम, स्पेस, ट्रस्ट,
उसके बदले सिर्फ एक सच्चाई चाहिए थी। ये रंग है तुम्हारी सच्चाई का? ये नसर के बिस्तर से मिली है? अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम रातों को घर क्यों नहीं आया करती थी। शूट तो सिर्फ एक बहाना था, यहां सोता रहता था मैं, ये सोच सोच करके मैं तुम्हारे बीच में ना आऊं, तुम्हारे ख्वाबों के बीच में ना आऊं। कितना अंधा था मैं, कितना अंधा था। हाँ, अगर शूट ना होती तो घर तो था ही ना। तुमने मेरी आंखों में ट्रस की पट्टी बांधी हुई थी, और वो भी इतने कस के बांधी थी कि मैं कुछ ना देख पाऊं। तुम्हारी बेवफाई में लिपटी हुई मोहब्बत, मैं इतना पागल था कि कुछ भी महसूस नहीं कर पाया। आज अगर मेरे और मंशा के बीच कुछ है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तुम क्या समझती थी? तुमने मुझे मंशा के साथ देख लिया और कुछ नहीं कहा। बहुत अजीम औरत हो तुम, मुझे गिल्ट में डाल दिया तुमने। तुम क्या समझ रही थी मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊंगा, तुम्हारे पैर पड़ूंगा, माफी मांगूंगा, और तुम अपनी नाजायज मोहब्बत को इसी तरीके से सेलिब्रेट करती रहोगी उस नसर के साथ, क्योंकि तुम्हारा शौहर तो बेवकूफ है, उसे तो कुछ नहीं पता चले। बड़ा मजाक उड़ाया तुम दोनों ने मेरा। मैंने मंशा के साथ कोई हद पार नहीं की, मगर तुमने तो उस दो टके राइटर के साथ कई सालों से कई हदें पार कर दी। अपने अंदर ये सोच कभी आने नहीं दी कि तुम्हारा किरदार इस हद तक गिर सकता है। अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारे से इतनी नफरत क्यों करती थी। तुम क्यों चाहती थी कि वो इस घर से चला जाए? क्योंकि वो मेरी तरह बेवकूफ नहीं था, वो तुम्हारे और नसर के बीच जो कुछ हो रहा था सब जानता था। मेरा दोस्त था, मुझे सच्चाई बताना चाह रहा था। अगर फलक मैं तुम्हारे लिए उससे लड़ा, तुम्हारे खिलाफ जो भी कोई बात की उसने, मैंने कभी भी नहीं मानी। अपने दोस्त की मैंने बेइज्जती की तुम्हारा नाम बचाने के लिए, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए। शायद तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें इन सब से। जवाब दो फलक, मुझे जवाब दो, तुम्हारा और नसर का यह सिलसिला कब से चल रहा है? एक साल, दो साल, ये जब से तुम उससे मिली है? जवाब दो मुझे, जवाब दो मुझे। क्या जवाब दो? सफाई पेश करो। कोई सफाई नहीं है, तुम जो कह रहे हो ठीक है, तो तुम्हारा रिश्ता है नसर के साथ? हाँ है, है रिश्ता है मेरा नसर के साथ। इसका मतलब है तुम्हें नसर से मोहब्बत है? करती हूँ मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करती हूँ नसर से।
धोखा दिया है तुमने मुझे। हाँ दिया है धोखा मैंने तुम्हें। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होता रहा और तुम्हें पता ही नहीं चला। सच कहा है तुमने, है नसर के बीच में और मेरे बीच में कुछ। जाती रही हूँ डेट पर उसके साथ। ये भी ठीक कहा है कि शूटिंग तो एक बहाना था। धोखा दिया मैंने तुम्हें, फायदा उठाया तुम्हारी वफा का, तुम्हारी मोहब्बत का, तुम्हारी कुर्बत का। एक बार नहीं बार बार, और तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ कभी। मिलती रही हूँ इसी घर में, तुम नहीं थे कभी, होते थे। Shut up. यहाँ बेडरूम में, कभी बाहर, कभी ऊपर, कभी बाहर। Shut up. क्यों? तकलीफ हो रही है? चुप हो जाओ। बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे। चुप हो जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ रिजवान? शाउट क्यों कर रहे हो? तकलीफ क्यों हो रही है तुम्हें? तुमने तो कहा है पूरे यकीन से कि मेरा और नसर का कोई रिश्ता है, ताल्लुकात है हमारे बीच में, नहीं कहा तुमने अभी? पूरे यकीन से कहा है, तो फिर क्यों बुरा लग रहा है मेरे मुंह से सुनते हुए सच? मैं जानती हूं कैसा महसूस होता है जब आपको उस बंदे पे जिस पे सबसे ज्यादा दुनिया में यकीन हो, सच्चाई का पर्दा उठता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। तुम्हें बंदा ऐसा हुआ? तुम सोच भी नहीं सकती इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूं। तुम्हें उससे कभी मोहब्बत, इतनी कुर्बत हुई नहीं कि तुम्हें मेरी बेवफाई का जरा सा भी अफसोस हो? इतनी गिर जाओगी तो? गिरे तो तुम भी हो, गुनाहगार तो तुम भी हो, बेवफाई तो तुमने भी की है। फिर तुम तो बहुत खुश होगी कि मैंने अपनी तनहाई में किसी और को ढूंढ लिया। तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर दी, मैं कितना बेवकूफ था। मैं ये समझता रहा कि तुम बहुत मजबूत हो, तुमने अपने दर्द को, अपने दुख को सामने नहीं आने दिया। अगर तुम मजबूत नहीं हो, खुद गर्ज हो, तुमने तो बड़ी खुशियां मनाई होंगी मुझे और मंजा को एक साथ देख। हाँ मैं बहुत खुश हूं, मनाई मैंने खुशियां, बहुत अच्छा लगा तुम्हें किसी और के सामने मोहब्बत के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखते हुए। अपनी जिंदगी में मेरी जगह तुमने किसी और को दी, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं बहुत खुश हूं, नजर नहीं आ रहा मेरी शक्ल से तुम्हें, हूं मैं खुश। तुमने मेरी जगह नहीं दी नसर को, कि तुमने मेरा हक नसर को तोहफे में नहीं दिया है? हाँ दिया है, दी है तुम्हारी जगह मेरे नसर को। मेरे इतने सालों की मोहब्बत, इतने सालों की कुर्बत, अलग तुम कैसे भूल गई? नसर ने तुम्हें ऐसा क्या दिया है कि तुम उससे इतना दूर हो? सब भूल गई तुम? हाँ भूल गई सब कुछ मैं, तुम्हारी वफा, तुम्हारी कुर्बत, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी सच्चाई, सब भूल गई मैं। ख्वाब लगता है, क्या था वो? नहीं है याद मुझे कुछ, कोशिश भी करूं तो याद नहीं कर सकती। यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा है कि ये वही चेहरा जिससे मुझे मोहब्बत हुई थी। आज मैं इस चेहरे को देखना भी गवारा नहीं करता। चेहरों से मोहब्बत नहीं होती रिजवान, इंसान से होती है। पर तुम फिक्र ना करो, ये चेहरा तुम ज्यादा दिन तक नहीं देखोगे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी यहां से। कहाँ जाऊंगी? नसर के? हाँ मैं नसर के साथ रहूंगी, रहूंगी अब मैं उसी के साथ। राख है उड़ती हुई और बुझ रहा है मस्कन, दिल से दिल मिल जाए तो शायद।
शायद बने नशे मन। गुर्बते और चाहते रिश्तों को गुम न कर दे, जागती है ख्वाहिशें और जागते हैं तन मन। शाखों से पल उतरने लगे और जिस्म जान सुलगने लगे। मैम आप कहीं जा रही हैं? महारानी, मैं घर छोड़कर जा रही हूं। मैम आप अपना घर छोड़ के क्यों जा रही हैं? ये घर तो आपका अपना है, उन पराए लोगों के लिए अपने घर की कुर्बानी क्यों दे रही हैं? परायों के लिए कुर्बानी नहीं दे रही रानी, अपनों की खातिर अपना घर कुर्बान कर रही हूं, उनको खुश करने के लिए। लेकिन गलती तो सर से हुई है ना, आप क्यों जा रही हैं? बात सही और गलत की नहीं है, बात तो दिल की खुशी की है। क्या आपका दिल खुश है इस फैसले से? हाँ, ये सोच करके मेरे जाने के बाद रिजवान वो कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं, मैं उनकी खुशी में रुकावट नहीं बनना चाहती, इसलिए मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर है। आप इतनी आसानी से हार मान जाएंगी और आपके जाने के बाद अगर सर ने मंशा मैम से शादी कर ली तो
इन बच्चों के बारे में तो सोचे कि आपके और सर के कितने करीब है। अगर आप इसी तरह यहां से चली गई तो ये वो जिंदगी कभी नहीं गुजार पाएंगे जो आप चाहती हैं। जब ये दोनों बड़ी हो जाएंगे समझ जाएंगे कि इनकी माँ ने ऐसा क्यों किया था, और शायद ये भी समझ जाए कि कभी कभी उनसे दूरी में ही बेहतरी होती है। अच्छा वही सो रही है, जाग रही होती तो शायद मुझे जाने ना देती, तो मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं देखी मैंने रोक पाती। नानी तुम इनका ख्याल रखना, तुम्हें फोन करती रहूंगी मैं, मुझे तलाक कर देना। इतने सालों से तुम इनके साथ हो, तुमसे बड़ी मानूस है, मुझे यकीन है तुम इनका ख्याल रख पाओगे। जब ये उठेंगे और मुझसे पूछेंगे कि आप कहाँ हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैम आप एक आखिरी कोशिश करके देखें, मंशा मैम से बात करें, ये आपका हक है, या ऐसा करें आप मंशा मैम को और आरिफ सर को इस घर से निकाल दें। जब वो चले जाएंगे तो हो सकता है सर सब कुछ भूल जाए और पहले जैसे हो जाए। रानी अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम बस बच्चों का ख्याल रखना। फलक कहाँ जा रही हो तुम? ये सामान तुम ये घर छोड़कर तो नहीं जा रही ना फलक? तुम अपनी बेटियों को छोड़कर तो नहीं जा रही ना? तुम्हें तोहफे में देकर जा रही हूँ एक। छोड़ सको तो छोड़ लेना, रिजवान तो पहले तुम्हारा। लेकिन तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती फलक, मैं खुद अंदर से टूट चुकी हूँ, मैं ये घर नहीं छोड़ सकती। इस घर को मत तोड़ो प्लीज। मैं ना तोड़ूं घर? मुझे तो पता भी नहीं चला कि मेरा घर कब टूट गया। मैं घर मत तोड़ू, हाँ खुली तो पता चला कि कुछ खत्म हो चुका। तुमसे ये घर कोई नहीं छीन रहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो फलक, ये तुम्हारा घर है। हाँ ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर होता ना तो मेरा शौहर मेरे लिए अनजान ना हो जाता। ऐसा जिंदगी में कोई भी चीज कभी भी और कोई भी रिश्ता हमेशा आपका नहीं होता। कुछ सालों के लिए था ये घर मेरा, अब शायद तुम्हारा है, क्योंकि रिजवान तुम्हारा है ना? नहीं मेरा था। मेरी कहानी खत्म, मुझे जाना चाहिए। नहीं फलक मैं तुम्हारे आंसुओं की वजाहत नहीं बन सकती, तुम्हारी तकलीफ का बोझ और नहीं उठा सकती फलक। तुम्हें घर छोड़कर मत जाओ, मेरा दम घुटता है। क्या बात है मंशा? लहर फलक को रोके। आई सी, कहीं जा रही हैं आप मिसेस तासीर?
रिजवान नहीं जा रहा आपके साथ? अकेली जा रही हैं? डैड फलक मेरी बात नहीं सुन रही। मैं इनको कह रही हूँ कि रुके, आप मेरी मदद करें। मैं इनसे कह चुकी हूँ कि अब मैं इनकी और मिस्टर तासीर के बीच में नहीं आऊंगी। ये मेरी बात नहीं मान रहे डैड। लेकिन तुम इन्हें क्यों रोक रही हो? After all, ये इन लोगों का पर्सनल मैटर है। अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो उन्हें। Why are you stopping her? फिर अगर इनको मजबूर किया गया है ये फैसला लेने पर, तो I'm sure उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। क्यों मिसेस तासी? लेकिन डैड, इनके बच्चे, वो कैसे रहेंगे फलक के बगैर? आप उनके रोके ना, आप क्यों उधर खड़े हैं? Come on, Mancha. वो इनके बच्चे हैं, अगर इन्हें कोई परवाह नहीं तो तुम पेन क्यों ले रही? जाने दो बेटा, जाने दो। आई एम श्योर उन्होंने अपने लिए कोई बेहतर घर का इंतजाम कर लिया। वो ना यूं कोई अपना घर छोड़कर क्यों जाए? तुम जाओ अपने रूम में। हाँ, तुम जाओ रेस्ट करो, अभी इन्होंने बहुत काम कर। जाओ शॉप। मैंने कहा मंशा कि तुम अपने रूम में जाओ, हरी अप। अब किस चीज का इंतजार कर रही हैं मिसेस तासीर? मेरा नहीं ख्याल कि रिजवान आएगा आपको लेने के लिए या रोकने के लिए। जानता हूं अफसोस की बात है, लेकिन सच यही है कि अब आपको इस घर को छोड़ने से कोई नहीं रोकेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं हूं ना यहां पर, आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं आपके इस काम में किसी को रुकावट बनने की इजाजत नहीं दूंगा। आप जाएं प्लीज, आप जाकर अपनी लाइफ एंजॉय करें। ऐसी जगह जाएं जहां पर ना बच्चों का शोर होगा ना घर की जिम्मेदारी। अपने करीबी दोस्त के साथ जिंदगी के बाकी अहम लम्हात गुजारें। और प्लीज शुक्रिया बिल्कुल ना कहिएगा मुझे, इट्स ओके। थप्पड़ मारने का दिल चाह रहा है आपका? कम ऑन मिसेस तासी, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपके पास इतना वक्त नहीं है, आई एम श्योर। अगर किस्मत रही तो जरूर मिलने आऊंगा। अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, ये ख्वाहिश तो जरूर पूरी करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा और नसर को मेरा सलाम कहिए। Is it on mine? Of course. जो हुआ होना ही था, क्या सोचने से हासिल? आशना कोई नहीं, एक अजना।
क्या हुआ निशा बीबी, सो जाए लेते। मुझे मॉम के पास जाना, मुझे मॉम के पास जाना। अरे मैं हूँ ना आपके पास, अब क्यों डर रही है? मैं मॉम के रूम में जाना। अरे वो मॉम घर पे नहीं है ना, वो शूट पे गई है। आप लेटे, मैं हूँ ना, अब क्यों डर रही है? मैं हूँ आपके पास, लेटे सो जाए, सो जाए, सो जाए, सो जाए। मैम जरूर घर आएंगी, वो जरूर वापस आएंगी। तुम हो कहां? मैं अभी आता हूं। कोई जरूरत नहीं मेरे पास आने की, नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद। अब तुम चाहती थी ना मुझसे शादी करना, क्या हो गया तुम्हें? छोड़े मुझे, मैं फलक के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेहनत से मैंने फलक को इस घर से बाहर निकाला, जज़वान के ज़हन में शक डाला उसके लिए, तुम्हें उसके ऑफिस में जॉब दिलवाई, और आज तुम अपने एक इनकार से मुझसे सब कुछ छीनना चाहती हो।